दोस्तों, अगर आप भी शिखर धवन और संजू सैमसन को एक महान बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शिखर धवन की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज में लगातार 12वीं सीरीज जीतने के लिए भरपूर प्रयास किया और किस तरह भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने मुकाबले में रोमांच बना कर रखा और क्या है इस मुकाबले की पूरी डिटेल और रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू सैमसन और शिखर धवन और श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा में से बेहतर बल्लेबाज कौन है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वेस्टइंडीज की टीम सीरीज में बराबरी करने के लिए पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क स्टेडियम में दूसरा मुकाबला खेलने के लिए उतरी, जहां वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और वेस्टइंडीज की टीम में एक बदलाव देखने को मिला। तो वहीं भारतीय टीम में भी एक बहुत ही बड़ा बदलाव प्रसिद्ध कृष्णा की जगह आवेश खान का पदार्पण करा दिया गया। तो वहीं वेस्टइंडीज की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए शाई होप और काइल मेयर्स मैदान पर आए और दोनों बेहतरीन बल्लेबाजी करने लगे और पारी को तेज तर्रार तरीके से बढ़ाने लगे। लेकिन वेस्टइंडीज को पहला झटका 10वें ओवर में लगा, जहां शिखर धवन ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए दीपक हुड्डा को मैच में पहली बार बुलाया और हुड्डा ने कप्तान को निराश नहीं किया। उन्होंने पहली ही गेंद पर काइल मेयर्स को आउट कर दिया और मेयर्स सामने की ओर हुड्डा को ही कैच दे बैठे। उन्होंने पहले विकेट के लिए शाई होप के साथ 65 रनों की साझेदारी की, जिसमें मेयर्स ने 23 गेंदों में 39 रन बनाए थे। उन्होंने 6 चौके और एक छक्का लगाया था। तो वहीं मेयर्स के बाद बल्लेबाजी करने के लिए शामरा ब्रुक्स आए, तो वहीं होप ने अपने 100वें वनडे में अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं भारत को दूसरी सफलता 22वें ओवर में अक्षर पटेल ने दिलाई और उन्होंने तीसरी गेंद पर ब्रुक्स को आउट कर साझेदारी को तोड़ दिया और ब्रुक्स का कैच कप्तान शिखर धवन ने लिया था। तो वहीं उन्होंने 36 गेंदों पर 35 रन बनाए और ब्रुक्स ने दूसरे विकेट के लिए होप के साथ 62 रनों की साझेदारी की और उनके आउट होने के बाद पिछले मैच में अर्धशतक लगाने वाले ब्रैंडन किंग क्रीज पर उतरे। तो वहीं युजवेंद्र चहल को पहली सफलता ब्रैंडन किंग के रूप में मिली। चहल ने 23वें ओवर की 5वीं गेंद पर किंग को आउट कर दिया और कप्तान धवन ने एक बार फिर से शानदार कैच लिया और पिछले मैच में अर्धशतक लगाने वाले किंग का बल्ला इस मैच में भी नहीं चला और वो खाता भी नहीं खोल पाए। उनके बाद कप्तान निकोलस पूरन क्रीज पर उतरे, तो वहीं शाई होप और निकोलस पूरन ने चौथे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी कर ली और दोनों खिलाड़ी भारतीय गेंदबाजों का सामना डट कर कर रहे थे। तो वहीं निकोलस पूरन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और 39वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक रन लेकर अपना 10वां अर्धशतक लगाया। तो वहीं भारत को बड़ी सफलता शार्दुल ठाकुर ने दिला दी और उन्होंने वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन को 44वें ओवर में चौथी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया और पूरन ने शाई होप के साथ चौथे विकेट के लिए 117 रनों की बड़ी साझेदारी की और उन्होंने 77 गेंदों पर 76 रनों की पारी खेली और इस दौरान एक चौका और 6 छक्के उनके बल्ले से निकले। तो वहीं शाई होप ने अपने 100वें वनडे को यादगार बना लिया और उन्होंने युजवेंद्र चहल की गेंद पर छक्का लगाकर शतक पूरा किया। ये उनके करियर का 13वां शतक है और होप ने वनडे में भारत के खिलाफ तीसरा शतक लगाया था। तो वहीं शार्दुल ठाकुर ने 47वें ओवर में बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को एक और विकेट दिलाया और रोमन पॉवेल ने पहले उन्हें छक्का लगाया, लेकिन इसके बाद चौथी गेंद पर पॉवेल को आउट किया और पॉवेल छक्का मारने के प्रयास में श्रेयस अय्यर को बाउंड्री पर कैच दे बैठे और उन्होंने 10 गेंदों में 13 रन बनाए थे और इस दौरान एक और चौका और एक छक्का लगाया। तो वहीं 49वें ओवर में शार्दुल ने शतक लगाने वाले बल्लेबाज शाई होप को 135 गेंदों पर 8 चौके और 3 छक्के की मदद से 115 रन बनाने के बाद छक्का लगाने की कोशिश में फुल टॉस पर अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया और वेस्टइंडीज की टीम ने 311 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। तो वहीं भारत के लिए शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। तो वहीं दीपक हुड्डा, अक्षर पटेल और युजवेंद्र चहल को एक एक सफलता मिली। तो वहीं बल्लेबाजी करने के लिए जब भारतीय टीम उतरी तो भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल और कप्तान शिखर धवन मैदान पर आए। दोनों ने शुरुआत शानदार की और 9.4 ओवर की समाप्ति पर बारिश का आगमन हो गया, जिसके कारण खेल रोक दिया गया। लेकिन 15 से 20 मिनट के बाद खेल दोबारा से शुरू हुआ और पावर प्ले में 42 रन भारतीय टीम ने बना दिए थे। तो वहीं पिछले मैच में 97 रनों की पारी खेलने वाले भारतीय कप्तान शिखर धवन दूसरे वनडे में फेल रहे और वो 31 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हो गए
जिससे रोमारियो शेफर्ड की शॉर्ट गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर से मारने के प्रयास में वो आउट हो गए और काइल मेयर्स ने बाउंड्री पर डाइव लगाते हुए शानदार कैच लिया था इनका। तो वहीं भारत को दूसरा झटका 16वें ओवर में लगा, जिसमें काइल मेयर्स ने चौथी गेंद पर गिल को पवेलियन भेज दिया, जिसमें गिल सामने की ओर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में गलती कर बैठे और गेंद सीधे मेयर्स के ही हाथों में चली गई। उन्होंने 49 गेंदों पर 43 रन बनाए थे और उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके लगाए थे। तो वहीं सूर्य कुमार यादव का बल्ला नहीं चला और वो एक बार फिर गेंद को अपने विकेटों के ऊपर मार बैठे और सूर्य कुमार यादव 8 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने एक छक्का लगाया तो वहीं सूर्य कुमार के बाद संजू सैमसन क्रीज पर आए और उन्होंने पहली गेंद पर चौका लगा दिया और दूसरी गेंद पर आउट होने से बच गए, जहां मेयर्स की आसमान उछाल वाली गेंद पर सैमसन के बल्ले से लगकर सामने की ओर चली गई थी, लेकिन कोई कैच नहीं ले सका और सैमसन बाल बाल बच गए। तो वहीं 20वें ओवर में संजू सैमसन ने स्टेडियम के बाहर छक्के के साथ गेंद को पहुंचा दिया। तो वहीं पहले वनडे में 54 रन बनाने वाले श्रेयस अय्यर ने दूसरे मैच में भी अपने फॉर्म को बरकरार रखा और उन्होंने 30वें ओवर में काइल मेयर्स की गेंद पर चौका लगाकर अर्धशतक पूरा किया और उसके बाद एक छक्का भी लगाया। अय्यर ने सैमसन के साथ 83 रनों की साझेदारी कर ली। तो वहीं अय्यर का वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में ये 8 मैचों में 7वां अर्धशतक है और उन्होंने 9 मैचों में 400 से ज्यादा रन बनाए थे। तो वहीं 33वें ओवर में जोसेफ ने श्रेयस अय्यर को 71 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 63 रन बनाने के बाद LBW आउट किया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए दीपक हुड्डा आए। तो वहीं 34वें ओवर तक भारतीय टीम ने 179 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिए हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है भारतीय टीम की तरफ से इस मुकाबले में प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें।